हाय गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस शेयर का एक मॉनिटर का जो कि 27 इंच का आता है। इसका मॉडल है B277, आसानी से आपको सर्च करने से मिल जाता है। इस मॉनिटर को मैंने इसके लिए परचेस किया है क्योंकि इसके अंदर हमको थ्री साइड बेजललेस डिज़ाइन मिलती है, मतलब आप वीडियोस काफ़ी अच्छी तरह से देख पाओगे। प्लस में इसका जो पैनल है वो मैट मिलता है, मतलब रिफ्लेक्शन के हमको इश्यू नहीं आने वाला। प्लस में इसके अंदर हमको वेबकैम मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, यूएसबी हमको कनेक्ट करने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर हमको मिल जाते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिला है। सबसे पहले इसका जो बेस जो स्टैंड है वो यहाँ पर पूरा मेटल है और बल्की है, मतलब थोड़ा वेटेड है, वो मिलता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ज़मीन पर वो रहेगा हमेशा और राइट साइड आपको इस तरह की जो ब्रांडिंग है वो भी दिख जाएगी। दूसरा हमको मिल जाता है ऑक्स केबल, यूज़र मैनुअल, HDMI केबल और साथ में हमको मिल जाता है पावर सप्लाई। ओवरऑल इन सभी चीज़ों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेस्ट है। साथ में ये वाला जो एक हमको मिल जाता है कनेक्टर, वो हम जब भी CPU में कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो मॉनिटर है उसके अंदर जो USB दिए गए हैं वो हम रन कर पाए, इस वायर के बिना वो नहीं काम करने वाले, तो वो अटैच करना ज़रूरी है। सो गाइस, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो दूसरा स्टैंड है, मतलब ये पूरे मॉनिटर को अच्छी तरह से होल्ड करेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरीके से इसको मूव भी करने वाला है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट एंड प्रोफेशनल दी गई है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। ये भी बल्कि है। सो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको लगाना कैसे है। बेस स्टैंड में आपको नीचे दो स्क्रूस मिल जाएंगे, सिंपली वो ऊपर वाला जो स्टैंड है वो आपको वहाँ पर रखना है, कनेक्ट करना है कि कहाँ पर उसके जो स्क्रूस है वो लगने वाले हैं। बस वैसे आप जैसे कि अटैच कर लोगे, दोनों स्क्रूस आपको घुमा देने हैं और आपका जो स्टैंड है वो हो चुका है रेडी। और अभी यहाँ पर मॉनिटर है कुछ इस तरीके के, यहाँ पर आप बैक में देख सकते हो। बैक में हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि ऑन ऑफ का हमको बटन मिल जाता है, पावर सप्लाई का हमको कनेक्ट मिल जाता है, प्लस में हमको HDMI के हमको दो पॉइंट मिल जाते हैं, प्लस में हमको VGA भी लगा सकते हैं और ऑडियो इन ऑडियो आउट, प्लस में USB और भी ये हमको दूसरे जो कनेक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर राइट साइड में हमको दो USB मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमको पांच बटन मिल जाएंगे जिसमें से एक नीचे वाला जॉयस्टिक बटन है। अभी इस मॉनिटर को अटैच करना काफ़ी आसान है। सिंपली जो हमने स्टैंड रेडी किया है उसको सिर्फ आपको एक क्लिक देना है, आपको देखना है वहाँ कहाँ पर कनेक्ट होता है। जैसे आप अच्छी तरह से वहाँ पर आप लगा दोगे, तुरंत ही आपका मॉनिटर हो चुका है कम्प्लीटली रेडी। फिर सिर्फ और सिर्फ स्टैंड की मदद से पूरा का पूरा मॉनिटर है वो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पूरा इसको होल्ड कर रहा हूँ, मेरे को डर भी लगा था लेकिन नहीं गिरा, काफ़ी अच्छी बात है। सो कुछ इस तरीके का हमारा जो मॉनिटर है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। सो गाइस, अभी यहाँ पर आगे बढ़े तो इसके कुछ मोमेंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये जो मॉनिटर है इसको आप डाउन अप डाउन अप ये सब आप कर सकते हो। आप जिस पोजीशन में हो, आपकी हाइट कितनी, आप कितनी चेयर आपकी है, उस हिसाब से आप उसको अप डाउन कर सकते हो। साथ में ये जो मॉनिटर है वो लेफ्ट एंड राइट भी होता है जो कि इसका बेस्ट फीचर है। आप जैसे कि टेबल पे बैठे हो, आप किस एंगल पे बैठे हो वहाँ पर उस एंगल में आप इसको अप डाउन प्लस में लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी इसका बेस्ट फीचर मेरे को पसंद है। और मेरा इस मॉनिटर का परचेस करने का रीज़न भी यही था क्योंकि कंफर्टेबल होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सिटिंग पोस्चर के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा नीचे बैठे हो, आपकी हाइट मॉनिटर से थोड़ी कम है, तो आप उस मॉनिटर को डाउन कर सकते हो। अगर आपको खड़े होकर काम करना है, आपको कुछ एडिटिंग करनी है, काफ़ी टाइम से एडिट करके थक गए हो, तो कुछ इस तरीके से आप अप करके भी इस मॉनिटर को यूज़ कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी कंफर्ट वे में आप इसको यूज़ कर पाओगे हर एक तरीके से। अभी यहाँ पर सबसे टॉप पे हमको एक कैमरा मिल जाता है जो कि एक डिसेंट सी, मतलब बकवास सी क्वालिटी हमको प्रोवाइड करता है, लेकिन ये रोटेट वाला आता है, इसका मतलब प्राइवेसी भी रह जाएगा और आपको कैमरा जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप इस कैमरा का यूज़ भी कर सकते हो। सो गाइस, अभी आता है इस मॉनिटर का मेन फीचर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो कुछ इस तरीके से आप इस मॉनिटर को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट काम अगर आप कर रहे हो तो भी ये मॉनिटर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैं ठीक से इसको नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं रेगुलर में इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं करता और थोड़ा सा डर भी लगता है, हालांकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये कम्प्लीटली हर एक एंगल पे परफेक्ट काम करता है। सो गाइस अभी आते हैं इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, वीडियो की जो क्वालिटी है उस पे। अभी जिस हिसाब से मैं शूट कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो आपको एक बेस्ट आपको डिस्प्ले दिखने वाली नहीं है। आपको इस मॉनिटर की जो क्वालिटी है 1080p में बेस्ट आपको मिल जाएगी। मेरे को कलर कॉन्ट्रास्ट हर एक चीज़, कलर करेक्शन हर एक चीज़ मेरे को परफेक्ट वे में मिली है। इस मॉनिटर को जब भी आप परचेस करोगे या तो अगर आप शोरूम में जाओगे अपनी नेकेड आई से इसकी जो क्वालिटी देखोगे तो भी आप इसको पता लगा पाओगे। और मैं बोलूँ तो इसकी जो क्वालिटी है वो मेरे को 1080p के हिसाब से परफेक्ट लगी। इच्छा थी कि 20,000 के अंदर 4K या तो 2K हमको मिल सकता था, लेकिन इस मॉनिटर के अंदर काफ़ी सारे हमको फीचर्स ऑलरेडी मिलते हैं तो चलेगा, लेकिन इसके अंदर 1080p काफ़ी बेस्ट काम करता है। मेरे को आज तक कोई खास सेटिंग्स चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ओवरऑल क्वालिटी में आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड हमको 5 बटन मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे नीचे डाउन पे आप देख सकते हो कि जॉयस्टिक यहाँ पर है, उससे आप ज़्यादातर 90% ऑफ मेन्यू है वो आप यूज़ कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं जो भी चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जॉयस्टिक से कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दबा रहा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं वो मिल जाएगी, पिक्चर्स, ब्राइटनेस, कलर, ऑडियो प्रेफरेंसेस, OSD सिस्टम। और अगर आपकी जो सेटिंग है वो पूरी आपने छेड़छाड़ कर दी है, कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, तो आसानी से आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। तो सेटिंग के अंदर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। बाकी इसके अंदर सेटिंग्स भी काफ़ी सारी प्रोवाइड की गई है, जैसा आपका काम है। अगर आप क्रिएटर हो, अगर आप कुछ भी काम करते हो मॉनिटर के ऊपर, उस हिसाब से आप इसको बेस्ट तरीके से आप इसकी जो सेटिंग है वो भी चेंज कर पाओगे, तो ओवरऑल ये वर्थ है। सो गाइस इस मॉनिटर के सभी प्लस एंड माइनस तो मैंने बता दिए, माइनस मैंने बताया नहीं क्योंकि मेरे को आज तक दिखे नहीं है। अभी बारी आती है इसकी जो ऑडियो क्वालिटी की, तो आप सुने इसके जो स्पीकर है उसके ऑडियो की जो क्वालिटी है वो कैसी है। सो गाइस कुछ इस तरीके का हमार को 20,000 रुपये के अंदर एसर का एक बेस्ट मॉनिटर मिल जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी मिल जाती है, सो मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस मॉनिटर के बारे में आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।